वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 37 डिग्री माइनस cot 80 बाय tan 10 का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहां पे जो 2 है इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। सो 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 37 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 10 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan 53 डिग्री हो जाएगा माइनस cot 80 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा यानी कि cot 80 डिग्री। अब आप यहां पे देख रहे हो cot 80 कैंसिल हो जा रहा है एंड tan 53 भी कैंसिल हो जा रहा है। सो बचेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर 1। थैंक यू।